हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी.com। आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ SBI PO मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसे को कैसे लिखना चाहिए, कितना आपके पास टाइम है और टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। आधे घंटे का पेपर है सिर्फ और उसमें आपको ऐसे भी लिखना है और एक लेटर भी लिखनी है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उन सब के बारे में आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे बारे में, मेरा नाम है रमनदीप सिंह और मैं ब्लॉग करता हूँ bankexamstudy.com पे, और पिछले कुछ टाइम से अभी बैंक एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ आप सबके लिए, और आने वाले कुछ दिनों में मैं लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस भी करूंगा। एंड अभी तक अगर आपने ये सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है, अगर आपने नहीं दबाया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको जो मेरी नई नई वीडियोज हैं वो मिलती रहें। तो सबसे पहले एक एसे है, उसको आप कैसे फ्रेम करेंगे। को पहले एग्जाम का पैटर्न बता दूं कि 30 मिनट का आपको 30 मिनट मिलेंगे, टोटल 30 मिनट, और 30 मिनट के अंदर अंदर आपको एक एसे लिखना है। एसे और एक लेटर लिखनी है। 30 मिनट में एक एसे और एक लेटर। नॉर्मली ये जो एसे है ये 300 से 400, कुछ लोग 450 वर्ड्स का भी लिख लेते हैं, और लेटर जो है 100 से आप मान लीजिए 150 वर्ड्स के तकरीबन आप को लिखना चाहिए, लिख सकते हैं नहीं है, आपको लिखना चाहिए। तो यहां पे अगर देख के चले 300 प्लस 400 से लेके, मैंने तो बोल दिया 400 से लेके 550 वर्ड्स तक आपने लिखना है, तो आपको टाइपिंग स्पीड जो है वो कम से कम, आप अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो कम से कम 25 वर्ड्स पर मिनट आप पकड़ के चलिए, ये कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनका टाइपिंग स्पीड 25 से भी कम है, आप टेस्ट कर लीजिए अभी, अगर आपका टाइपिंग स्पीड 25 से कम है तो पेपर आप बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कैसे करेंगे। सोचना भी है आपने, सारा ऐसे फ्रेम करना है, लेटर को फ्रेम करना है, सोच के लिखेंगे ना, ये तो है नहीं आपका टाइपिंग का टेस्ट है, आप सोच के लिख रहे हो। तो अगर आप 400 से 450 वर्ड्स आधे घंटे में लिखना चाहते हो तो आपका 25 सोच के लिखना चाहते हो तो 25 का स्पीड होना चाहिए। अगर आपका 25 का स्पीड नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपका स्पीड लाइक 10-15 है एवरेज, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे इंटरव्यूज लेता हूँ कई बार, राइटर्स जो मेरे साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का जो टाइपिंग स्पीड है नॉर्मल जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं 10 से 15 होता है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करने बैठ जाते हैं और स्पीड है नहीं है 10-15 स्पीड में, तो आप 200 वर्ड भी नहीं लिख पाएंगे और फेल ही फेल है। अगर आपको आता भी है फिर भी फेल हो जाएंगे। तो 25 का स्पीड पकड़ के चलिए, कम से कम 25 का स्पीड। अगर आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप फेल हो जाएंगे, गारंटी है। अगर आपका 25 का स्पीड नहीं है तो बहुत मुश्किल है। 20 से कम में तो अगर 12-15 स्पीड है फिर तो चलिए वो तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो सीन ही खत्म है। कम से कम अगर 20 मैं रिकमेंड करता हूँ, भी कम से कम 20 रिकमेंडेड है। ये एक टेक्निक भी है SBI वालों की, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे PO भी बन जाते थे पहले जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलाना आता था, जिनका टाइपिंग स्पीड नहीं था। आप जैसे बैंक में जाएं कैश निकलवाने या अपना अकाउंट स्टेटमेंट लेने, और वहां पे उनको अगर कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए ये पेपर जानबूझ के आप कह लीजिए डिस्क्रिप्टिव पेपर ये ऑनलाइन लेते हैं। तो बात करते हैं कि ऐसे आपको 300 से 350 वर्ड्स का लिखना है। 300 से 350 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना है। तीन ऑप्शंस मिलेंगे, थ्री ऑप्शंस, तीन में से आपको एक करना होगा, तीन में से एक आपको जो है ऐसे वो अटेम्प्ट करना होगा 300 से 350 वर्ड्स के बीच, मतलब 350 से ऊपर लेकर जा सकते हैं लेकिन 300 प्लस वर्ड्स रिकमेंडेड है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आधे घंटे का अगर पेपर है तो इसको ऐसे को आप 20 मिनट जो है वो ऐसे को दीजिए, 10 मिनट आप लेटर को दीजिए, और लेटर पहले कीजिए। 10 मिनट जो लेटर को देने हैं वो पहले 10 मिनट से दे दीजिए और बाकी का 20 मिनट आप ऐसे को दीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनका टाइपिंग स्पीड अच्छा है, जो नॉर्मली कंप्यूटर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप कंप्यूटर पे आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप इवन मोबाइल पे भी देख रहे हैं तो मोबाइल पे भी आप टाइप कर रहे हैं तो आपको पता है कि
कौन सा लेटर कहाँ पे है, क्यू ऊपर है फिर डब्ल्यू है, तो आपको पता है। क्यूटी जो आप क्यूटी जैसे कहते हैं कीबोर्ड से आप कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड 20 प्लस तो होगी ही। तो चलिए बात करते हैं, 20 मिनट है पहले लेटर करना है, 10 मिनट लेटर राइटिंग को, 20 मिनट ऐसे राइटिंग को, 300 से 350 वर्ड का ऐसे है, 100 से 150 वर्ड की लेटर है। तो शुरू करते हैं ऐसे राइटिंग के। ऐसे को आप कैसे लिखें, ये मैंने एक पार्ट्स में बांटा है। एक ऐसे तीन, आपने ऐसे फालतू में ऐसे कुछ भी लिख नहीं देना है, आपको जो जो पता है, मान लीजिए लोकपाल के बारे में पूछ लिया या किसी भी अच्छे टॉपिक के बारे में पूछ लिया, आपको जो पता है आप लिख रहे हो, नहीं ये गलत है। एक प्रॉपर तरीके से लिखिए, एक स्ट्रक्चर से लिखिए। आपको स्ट्रक्चर बनाने के तरीके से लिखने के नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए, मैं आगे एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ प्रॉपर, लेकिन उससे पहले आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए, एग्जाम्पल आएगी बाद में। इंट्रोडक्शन देनी है। मान लीजिए आज की डेट में अगर मैं बात करूं कुछ, किसी नई स्कीम की बात करूं गवर्नमेंट की, या पॉवर्टी इन इंडिया, या किसी भी ऐसे टॉपिक की जो आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है, ऐसे किसी टॉपिक की जैसे ईवीएम टेम्परिंग की मैं बात करूं, तो ये ईवीएम टेम्परिंग का इश्यू है क्या? पहले पहली बात तो ईवीएम क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे है, इसको इजाद किसने किया था, कैसे बना है, क्या आया है, सब कुछ ये इंट्रोडक्शन में आएगा। और उसके बाद कॉज, प्रॉब्लम्स या वर्किंग। सपोज रैंसमवेयर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक चल रहा है, रैंसमवेयर अगर टॉपिक आ जाता है तो क्या आप बताएंगे? रैंसमवेयर के एक एग्जांपल लेकर साथ में चलते हैं। इंट्रोडक्शन, रैंसमवेयर है क्या, व्हाट इज रैंसमवेयर, दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड तो आप पकड़ लीजिए रैंसम, रैंसम आपको पता ही है, रैंसम क्या होता है, फिरौती। रैंसम वेयर मालवेयर जैसे होता है, ये वो वाला वेयर पकड़ लिया, रैंसम वेयर आपकी फाइल्स को लॉक कर देंगे, अगर आपको फाइल्स अपनी वापस चाहिए तो पैसे दीजिए। तो ये रैंसम वेयर का आपको इंट्रोडक्शन यहां पे देना पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक आपको बताना पड़ेगा, पहली बार कब था, हुआ था ये, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, होता क्या है, सबसे बड़ा रैंसम वेयर कौन सा था, तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगी। वॉनाक्राई के बारे में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्सप्लेन द कॉज, प्रॉब्लम और वर्किंग, ये मैंने स्लैशेस इसलिए डाले हैं, किसी किसी चीज में आपको कॉज लिखना पड़ेगा और किसी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी, यहाँ किसी किसी की में वर्किंग लिखनी पड़ेगी। और रैंसमवेयर की कोई कॉज नहीं है, ये लोगों का लालच है, हैकर्स का लालच है, तो इसका कोई ऐसे कॉज निकल के नहीं आता। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्लस वर्किंग आप लिखेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, कैसे कि कैसे एक प्रॉब्लम है कि हैकर्स आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर रहे हैं और आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर जो पेशेंट्स के डेटा अगर ऐसे उसको इनक्रिप्ट कर दें, वो चोरी कर लें, इनकम टैक्स रिटर्न्स को इनक्रिप्ट कर दें, तो गवर्नमेंट्स को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को बहुत नुकसान हो सकता है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अगर लीक होती है तो बहुत, पहली बार तो लीक होती है और लॉक हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसके आप प्रॉज एंड कॉन्स लिखिए। यहाँ पे रैंसमवेयर के ऑब्वियसली कोई प्रॉज तो नहीं लिखेंगे, प्रॉज एक यही हो सकता है कि जो साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हैं पहले उनका, उनपे लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो एक एज अ करियर उभर के अब आ चुका है। और क्रिप्टो करेंसी जो है जैसे बिटकॉइंस वगैरह, उनका चलन पहले नहीं था लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है, उसका चलन ये रैंसमवेयर के बाद होने लग गया। गिव योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन दीजिए। ऑब्वियसली इसका आप नेगेटिव ही व्यू में देंगे कि रैंसमवेयर को कैसे रोकना चाहिए, सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, एज एन इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स को अपलिफ्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, आई मीन ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या आपके पर्सनल लेवल पे इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। एंड में आपको कंक्लूड करना पड़ेगा टॉपिक को कि ये सब आपने एक्सेप्ट कर दिया, आप अपने ओपिनियन भी दे दिया, सजेशन भी दे दिया, एंड में एक कंक्लूजन का दो लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि इस सारे टॉपिक के बारे में इसका मतलब पूरा क्रक्स क्या निकलता है, कि रैंसमवेयर जी बहुत बुरी चीज है तो इससे बच के रहना चाहिए। तो जो जो आपका, आपके हिसाब से कंक्लूजन है हर एक टॉपिक का अपने तरीके से निकलेगा। तो इस तरीके से ये पांच हिस्सों में अगर आप बांटेंगे, 300 वर्ड्स हैं, कुछ भी नहीं है, 50 अगर आप ऐसे इंट्रो में 50-60 वर्ड लिख दें, 50 से 70 वर्ड इसको दे दें, आप अपने 60-70 वर्ड इधर आ जाएंगे,
60-70 वर्ड इधर आ गए, और प्रॉज एंड कॉन्स में तो 70-80 वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो बाकी के जो वर्ड्स बचे हैं वो यहाँ पे फिट कर दें अपने 70-80 वर्ड्स, 70-80 आ एंड में कंक्लूजन 30-40 वर्ड का हो जाता है, ये आपका पूरा 300 से 350 वर्ड्स का बन जाएगा। इसी फॉर्मेट में करेंगे, अगर ये 50 वर्ड 60 वर्ड जो मैंने आपको बोला है इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकल के आएगा। आर्टिकल नहीं कहूंगा मैं, ऐसे कहूंगा, आर्टिकल हम लोगों को आदत पड़ी हुई है, तो एक बहुत अच्छा ऐसे निकल के आएगा। इंट्रो, फिर कॉज, प्रॉब्लम कॉज या वर्किंग जो भी है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके फायदे या नुकसान, उसके बाद अब अपना एक पॉइंट बताएंगे कि यार ये मेरा पॉइंट है, मेरे हिसाब से ये है। अगर आप शुरू से, एक चीज यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप शुरू से रैंसमवेयर के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या तो फेवर में बोलिए या उसके अगेंस्ट बोलिए, ये ट्रेड ऑफ है। अगर आपने फेवर में बोलना शुरू कर दिया तब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपनी जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, या फेवर में जाइए या उसके अगेंस्ट जाइए, ये दो आपके पास सिचुएशंस हैं बस। तो ऐसे आपको एक ऐसे लिखना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल मेरे पास ये निकल के आती है कि बिटकॉइन जो है क्या वो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है या नहीं है। 2010 8 की बात करूं, 9 की बात करूं, तब बिटकॉइन बहुत सस्ते हुआ करते थे। आज से 1 साल 1.5 साल पहले भी $400 का बिटकॉइन होता था, आज भाई आई थिंक $2600 का हो चुका है। तो एक अगर जनरल आपको एक आइडिया दूं कि बिटकॉइन एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो इतना ज्यादा वेरी करता है, कोई भी आप कह लीजिए, चाहे कोई स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, अगर वो मुझे 1000% रिटर्न एक महीने में देता है, या मतलब 500% रिटर्न एक महीने में देता, तो मैं उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्टेबल नहीं है। तो ये मेरा एक ओपिनियन है, ओपिनियन मेरे दिमाग में पहले आएगा, समझ रहे हैं। अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, इवन हम लोग आर्टिकल जल्दी जल्दी में लिखते हैं, कई बार कोई भी आप ऐसे ये लिख रहे हैं टॉपिक पे, ऐसे लिख रहे हैं, आपका ओपिनियन पहले दिमाग में है, यार बिटकॉइन है $400 हुआ करता था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, अब 26 कितना अभी $2600 का हो गया है, तो यार इतना रिटर्न 1 साल में कह लो कितना परसेंट रिटर्न हो गया, ये आपका 500% रिटर्न दे रहा है 1 साल में, ऐसे कैसे 450% रिटर्न 1 साल में। FD पे 6% 6.5% रिटर्न रह गया, अच्छे अच्छे स्टॉक्स 12% 10% रिटर्न दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड 10% दे रहा है, तो बहुत ही अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो 20-25% रिटर्न देना चाहिए। 450-500% रिटर्न अगर ऊपर चढ़ा है तो नीचे भी तो गिरेगा ना, अगर ये ऊपर चढ़ा, मैंने ऊपर में इसको इन्वेस्ट कर दिया तो नीचे गिरेगा ये। तो आज अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं, अगर ये वापस अपनी 400-500 वाली रेंज पे आ जाता है, अगर 1000 वाली रेंज पे भी आ जाता है, तो मेरे तो आधे पैसे गए, 1 लाख का मेरा 40-45-45 हजार रुपये रह जाएगा, अगर वापस अगर जाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट मैं नहीं करूंगा, ये मेरा एक ओपिनियन निकल के आता है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। आपके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का ये एक फ्यूचर है, कुछ लोग ये कहेंगे, तो अपना एक ओपिनियन शुरू से बनाइए। ये बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसके अगर अगेंस्ट बोल रहा हूं तो मैं अगेंस्ट ही लिखता जाऊंगा, अगर आप इसके फेवर में बोल रहे हैं कि यार ये एक फ्यूचर का करेंसी है, मतलब किसी कंट्री का इस पे कंट्रोल नहीं है, मैं बिटकॉइन पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भी आपको इंट्रो यहां से जैसे हम अपना लिखते हैं वैसे बता देता हूं। इंट्रो, पहली बात तो ये क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको ये क्रिप्टो वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन ये एक क्रिप्टो करेंसी है, ये वर्ड आप जरूर लिखेंगे, ये एक फिक्टिशियस करेंसी है, इनटेंजिबल करेंसी है, कोई कॉइन नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, कॉइन्स नोट्स इसमें कोई नहीं होते, इसमें गोल्ड की बैक, गोल्ड बैक्ड भी नहीं होते। जैसे आपको पता होगा कि जैसे कोई रुपीज है, इंडियन रुपीज है, US डॉलर्स है, वो गोल्ड से बैकअप होता है, RBI उतने ही अपना नोट्स को प्रिंट कर सकती है जितना गोल्ड का बैकअप होगा, नहीं तो करेंसी की वैल्यूएशन, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स होते हैं, कोई भी जैसे रुपीज है, डॉलर्स है, ये सब कोई ना कोई कंट्री, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, जैसे इंडिया में RBI कंट्रोल कर रही है करेंसी को, बिटकॉइन को कोई भी कंट्री मैनेज नहीं करती, ये ओपन सोर्स है, यही तो इसकी एक ब्यूटी है।
इसका ये है कि मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। इंट्रो लिखने बैठे हैं आपको 60-70 वर्ड में लिखना है, पहला आप लिख देंगे कि यार ये जो पहली बात तो ये क्रिप्टो करेंसी है, किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, फिक्टिशियस है, दूसरी बात किसी नो कंट्रोल, किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, नो ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं है। अगली वीडियो वैसे मैं एक बनाऊंगा इस पर डिटेल में, तो ये आप इंट्रो में लिख सकते हैं, किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, जैसे नॉर्मल कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता, जैसे इंडिया में अगर भारत सरकार चाहे तो किसी का भी अकाउंट फ्रीज करवा सकती है क्योंकि बैंक्स उनके अंडर हैं सारे, इनडायरेक्टली आरबीआई के अंडर है, तो बिटकॉइन किसी के अंडर नहीं है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात निकल के आती है। दो लाइन में आप इंट्रो ये लिख देंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग लिखते हैं कि ये एक, क्योंकि इसमें आप ये देखिए इसकी इंट्रो और वर्किंग मिक्स हो जाएगी क्योंकि है ही इतना जबरदस्त टॉपिक कि भी इसकी वर्किंग समझाने के लिए 50 वर्ड में नहीं समझा सकते, 100-150 वर्ड लगेंगे। तो ये वर्क कैसे करता है, कभी भी दो इंसान हैं, दो बंदे हैं, ये कंट्री ए में रहता है, ये कंट्री बी में रहता है, मान लीजिए ये इसको कुछ पैसे भेजना चाहता है, तो ये अगर बिटकॉइन से भेजता है तो एक लेजर बना होता है, पब्लिक लेजर। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन में वो सारी पब्लिक होती है, उसका एक लेजर होता है, वो सबके कंप्यूटर में होता है लेजर, ये सबके कंप्यूटर में, हाँ सबका एक अकाउंट बना हुआ है, ये ए का अकाउंट है इसके पास इतने बिटकॉइंस हैं, ये बी का अकाउंट है इसके पास इतने बिटकॉइंस हैं। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने भी किसी टाइम पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था तो अच्छे पैसे आए थे। तो ये ए है, ये बी है, इसके पास इतने 2.3 है, इसके पास 3.4 है, ए ने बी को कुछ पेमेंट करना है $1 का मान लीजिए, तो ए ने अगर पेमेंट करना है तो इसका एक माइनस हो जाएगा, इसका एक प्लस हो जाएगा, जैसे एक नॉर्मल अकाउंट्स में होता है, बैंक अकाउंट्स में होता है। लेकिन कोई बैकएंड नहीं है, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, तो कौन मैनेज करता है, इसको मैनेज करते हैं जो मिंट करते हैं, माइन करते हैं, यहां पे माइनिंग होती है, बिटकॉइन की माइनिंग होती है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, इसके पास इतने बिटकॉइंस हैं, उसके पास इतने बिटकॉइंस हैं, ये कैसे मैनेज होता है, कोई बैंक तो है नहीं, कोई बैकएंड तो है नहीं, तो अलग अलग कंपनीज, चाहे आप घर बैठे आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं, इसका एक अलग से बहुत पावरफुल सिस्टम आते हैं, तो बहुत इंडिया में बहुत लोग कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बिटकॉइन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये जो सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व करते हैं, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करके एक ब्लॉक बनाते हैं इन्फॉर्मेशन का, ये जो ट्रांजेक्शन मान लीजिए कुछ एक ट्रांजेक्शंस हुई, उसको इन्होंने अपना सॉल्व कर दिया मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, ये ब्लॉक बना दिया, और ये ब्लॉक को यहां पे वापस भेजेंगे, ये ऑलरेडी लेजर बना हुआ है और ये ब्लॉक को यहां पे भेजेंगे। तो ऐसे बहुत सारे और माइनिंग वाले बैठे हैं जो ट्रांजेक्शन की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और ऐसे ब्लॉक्स को यहां पे अपलोड करते हैं, तो ऐसे ये एक ब्लॉक चेन बनती है, इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन। तो ये सारी एक ब्लॉक चेन बनती है, तो ये एक वर्किंग है, अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं ऐसे वर्क करता है, ऐसे बिटकॉइन बिल्कुल वर्क करता है, क्रिप्टो करेंसी है, किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, पूरा बिटकॉइन की इनडेप्थ नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये SBI PU का एग्जाम है, कोई IT का एग्जाम नहीं है। इसमें फर्दर ये भी होता है कि सतोशी होते हैं इसमें, सतोशी जिन्होंने इन्वेंट किया था, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि आपको ये सब पता हो, लेकिन ये इन्वेंट किसने किया था, मिस्टर सतोशी थे, somebody फ्रॉम जापान, उनका पूरा नाम मैं भूल गया हूँ, सतोशी थे, और एक बिटकॉइन में किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सतोशीज होते हैं, 104 थे शायद। तो अभी इंट्रोडक्शन हो गया, इसके प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं, ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोज क्या है, प्रोज तो सिंपल, एक तो नो चार्जेस, ज्यादा मिडलमैन के चार्जेस ऑब्वियसली पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मिडलमैन के थ्रू जाते हैं, लेकिन वैसे इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था उसमें कोई चार्जेस नहीं है, नो किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है,
किसी का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। 10 मिनट लगते हैं इसको, 10 मिनट्स लगते हैं। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी पैसे भेज सकते हैं, कहीं से मंगवा सकते हैं। नो रूल्स, कोई फालतू के रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ये ओपन करेंसी है, किसी कंट्री का कंट्रोल ही नहीं है। मेन तो यही है, कॉन्स क्या है। और एक और चीज है, हैकिंग हो सकती है। बैंक, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई मीन ये तो आई थिंक कॉन्स में आ गया। कॉन्स में है, हैकिंग हो सकती है। सपोज आपके आपका जो अकाउंट है वो किसी ने हैक कर लिया, तो क्या करेंगे? अगर आपकी जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो जाती है तो क्या करेंगे? क्योंकि जब आप, मैं आपको पिछली स्क्रीन में एक चीज बताना भूल गया, जब ए बी को पैसे भेजता है, बिटकॉइंस भेजता है, तो दो तरह की कीज होती है। एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। पब्लिक की जो वो सबको बताता है, इनको सबको जाती है। प्राइवेट की इनक्रिप्टेड की होती है, जो ए के कंप्यूटर में सेव्ड होगी। मतलब आपके पैसे आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाएंगे। लंबा सा कोड होता है, इनक्रिप्टेड कोड होता है, वो आपकी हार्ड डिस्क या बैकअप जहां भी ड्राइव वगैरह में आपने लगाया है, सेव करा हुआ है, तो अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो आपके पैसे गए, खत्म। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या हैकिंग हो गई, ये सब हो गया तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इसको यूज कौन करता है? हैकर्स के लिए बहुत एक अच्छी चीज हो गई है। पुराने जमाने में ऐसे होता था कि आज से 5-7 साल पहले, जब ये नहीं आए थे बिटकॉइन, अगर किसी को हैकिंग करनी है, अगर ऐसे ऐसे फिरौती मांगते थे रैनसमवेयर, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो पैसे कैसे मंगवाओगे? डॉलर से मंगवाओगे, तो डॉलर कन्वर्ट करने कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, किसी बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे, तो बैंक अकाउंट तो हर जगह केवाईसी वगैरह सब जगह है, तो क्या करोगे? बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ केवाईसी नहीं है, कुछ नहीं है, आपका नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अकाउंट है आपका। एंड ऐसे बिटकॉइन जा रहे हैं, ऐसे रैनसमवेयर जैसे अभी अभी आया था वॉनाक्राई, किसी ने डॉलर में पैसे नहीं मांगे, किसी ने रुपीज में पैसे नहीं मांगे, किसी ने येन में पैसे नहीं मांगे, सबने बिटकॉइन मांगे कि भाई ऐसे है, हमें ये इतने बिटकॉइन दीजिए तो हम आपका डेटा जो है डिक्रिप्ट करेंगे। तो ये एक पॉइंट आ जाता है कि सभी हैकर्स लोग यूज करते हैं, अगर आपका क्रैश हो गया तो आपका सारा बिटकॉइन खत्म हो जाएंगे, कोई सपोर्ट नहीं है किसी का, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ओपन सोर्स है। अगर आज आपका कुछ नुकसान हो जाता, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती तो होगी तो होगी, कोई कुछ नहीं करेगा। और एक सबसे आई थिंक एक और बड़ा इश्यू यहाँ पे निकल के ये आ जाता है, चलिए हैकिंग क्रैकिंग ये सब तो चीजें हो गई हैं, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मुझे लगती है स्टेबिलिटी नहीं है। ये इनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल है, ये बिल्कुल अनस्टेबल है। मान लीजिए 400 पे था ये, 400 से सीधा ये अभी 2000 पे आ चुका है, 400 से ऐसे ऐसे करता करता ये 2000 पे आ चुका है। अभी यहां से नीचे भी तो गिरेगा ना, अभी आप देख लीजिए, मैं आपको शर्त लगा के बोलता हूं, आने वाले आप एक महीने बाद बिटकॉइन का रेट देखिए, 2600 से कभी 2650 या 2500 नहीं होगा, ये फिर से या तो 3000 क्रॉस कर जाएगा या 2000 से नीचे जाएगा। तो ये तो सटोरियों का काम हो गया ना, ये नॉर्मल हमारे जैसे लोग जो वीडियोस बनाते हैं या जो बुक्स लिखते हैं ये सब करते हैं, आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो बैंक में काम करते हैं या कहीं पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, तो वो लोग इतना रिस्क क्यों लेंगे? इतना रिस्क, ये तो स्पेकुलेशन हो गया ना। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर मैं मान लीजिए सुबह अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, मैं क्या सोच के इन्वेस्ट करूंगा? भाई मैंने 100 रुपए लगाए हैं, एक साल बाद मुझे 120 रुपए मिल जाए, अगर मुझे 120 रुपए मिल जाए तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होऊंगा। अगर मुझे 110 भी मिल जाते हैं मैं तब भी बड़ा खुश होऊंगा कि यार बैंक में मुझे 6-6.5 रुपए मिल रहे थे, यहां पे मुझे 10 रुपए मिलने लग गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि एक साल में मेरे पैसे डबल या 2x हो जाए या 10x हो जाए। मैं नहीं चाहूंगा 100 रुपए मेरा 1000 रुपए बन जाए, क्योंकि इतना रिस्क मैंने लेना ही नहीं है। रिस्क लेना तो सट्टोरियों का काम है, स्पेक्युलेटर्स का काम है, इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। तो यहां पे अगर मैं, अगर मेरे पास ये कुछ करेंसी पड़ी है, मेरे पास 10 बिटकॉइन पड़े हैं, मान लीजिए 160,000 का एक है, 16 लाख के हैं, अगर उन 16 लाख की वैल्यू पड़े पड़े 3-4 महीने में 8 लाख के हो जाए तो ऑब्वियसली मेरी तरफ से बिग नो नो है। तो चलिए इस पे एंड में आप यही कॉन्स लिखेंगे तो एंड में इस बहुत ज्यादा लंबा चले जाएगा ये, तो एंड में आप क्या कहते हैं अभी एक कंक्लूजन लिख दीजिए जो मैंने अभी आपके आपको लिखा है कि यार इंस्टेबिलिटी का जो पॉइंट है इसको आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो लेटर कैसे लिखें? ये लेटर के लेटर का जो मेन पॉइंट है ना, एक चीज समझ लीजिए, ऐसे में और इवन लेटर्स में, लेटर में जो फॉर्मेट है, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर्मेट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे देखिए, एक फॉर्मेट बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, ये 8 चीजें हैं। उन्होंने गिननी है कि यार ये चीज लिखी कि नहीं लिखी, सब्जेक्ट लिखा कि नहीं लिखा, सैल्यूटेशन लिखा कि नहीं लिखा, सिग्नेचर में एक्स वाई जेड लिखा कि नहीं लिखा। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बीच में आ गया, तो मैं इसको साइड कर देता हूं। ये मैं हूं, एक सेकेंड। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ लेटर्स लिख रहे हैं हम। यहां पे लेटर हेड है। लेटर हेड में क्या होता है, आप किसी को भी लेटर लिखते हैं, एनवेलप के ऊपर आप एड्रेस लिखते हैं अगले बंदे का। सबसे पहले अपना फ्रॉम होता है एड्रेस, फिर टू का एड्रेस होता है। अपना एक फॉल्स एड्रेस लिख दीजिए, साथ में टुडे आज की जो डेट है, वो जिस दिन आप एग्जाम देंगे वो लिखिए। लेटर हेड होगा सबसे ऊपर, डेट लाइन होगी, फिर लेटर का एड्रेस होगा जिसको आपने भेजनी है, उसका रॉन्ग एक एड्रेस लिखिए, सही एड्रेस या सही नाम कभी भी मत लिखिए। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि आपने क्यों ये लेटर लिख रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई, तो एक लाइन में जो ऊपर आपके टॉपिक में लिखा है तो वो आप लिखिए। सैल्यूटेशन बहुत जरूरी है, डियर सर मैडम या रिस्पेक्टेड सर या वॉट एवर, सिंपली सर। एक कॉमा जरूर डालिए, कॉमा नहीं डालेंगे तो नंबर काटेंगे ये, ठीक है। डियर सर लिखने के बाद एक कॉमा, यहाँ पे एक कॉमा डालना बहुत जरूरी है। कॉमा लिख डालिए, हमेशा कॉमा डालिए सैल्यूटेशन के बाद। तो कंटेंट बॉडी में कभी भी बैक वगैरह मत लिखिएगा, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो पूरी बॉडी में बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है। फालतू की बातें ऐसे में कर सकते हैं थोड़ी बहुत अगर नहीं कंटेंट बन रहा, लेकिन यहां पे कुछ भी फालतू बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट जाना है, ये समझ लीजिए, बिल्कुल टू द पॉइंट जाना है। एक बार मुझे याद है 2 साल पहले आया था कि एक लेटर आई थी कि आईबीपीएस को या किसी बैंक के, देना बैंक के एचआर डिपार्टमेंट को लेटर लिखिए कि आपकी वो ज्वाइनिंग डेट को डिले कर दें, वो थोड़ा और डिले कर दें। तो ये कैसे, क्या लिखेंगे आप? जरूरी है कि आप अपना आईबीपीएस का रोल नंबर, डमी रोल नंबर लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर डमी लिखें, आप अपना रीजन बताएं कि मेरे तो जी एग्जाम चल रहे हैं, 1 महीने में मेरा एमबीए का एग्जाम है, मेरा बीटेक का एग्जाम है या एमटेक का एग्जाम है, 1 महीना मुझे छुट्टी दीजिए, 1 महीने बाद मैं ज्वाइन करूंगा। अपना एक अच्छा सा रीजन दीजिए। अगर मान लीजिए आपको चेकबुक आपकी खत्म हो गई है, इसके लिए आपको लेटर लिखने के लिए बोला गया, तो कैसे लिखें? अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, बिना अकाउंट नंबर के क्या नहीं चलेगा ना। ब्रांच मैनेजर को लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे अपना सबसे पहले, आप बताएंगे कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, ऐसे चल रहा है और आपका अकाउंट ऐसे यूज हो रहा है, चेकबुक खत्म हो गई है, मुझे एक चेकबुक दे दीजिए, या आप अकाउंट आपने बंद करवाना है, आप रीजन दीजिए, ये मेरा अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, मैं यहां से छोड़ के मेरी शिफ्टिंग हो रही है, मेरी जॉब शिफ्ट होगी यहां से 1000 किलोमीटर दूर, यहाँ का बैंक अकाउंट मैं क्या करूंगा, कृपया मैं सारे पैसे निकाल रहा हूँ, मिनिमम बैलेंस मैं मैनेज नहीं अपना कंटिन्यू करूंगा, नहीं रखूंगा मिनिमम बैलेंस, और मेरे जितने पैसे हैं मैं निकाल रहा हूँ, और प्लीज अपना मेरा ये अकाउंट बंद कर दें। तो इस तरीके से लेटर लिखते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक होके, बिल्कुल ब्रेविटी रखनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट जाना है, कुछ फालतू नहीं लिखना है। कंटेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो लेटर राइटिंग का है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो है, रिगार्डफुल, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, अगर बैंक वगैरह वालों को लिख रहे हैं ट्रूली तो फेथफुली लिख लें, ज्यादा बेटर है। योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली सबसे ज्यादा बेटर है, फेथफुली फेथफुली लिख लें। उसके बाद एंड में राइटर का अपना नाम या डेजिग्नेशन, अगर मैं रमनदीप सिंह तो मैं नहीं लिखूंगा, एक्स वाई जेड लिखें। यहाँ पे ये सब आपने डमी लिखना है, ये नाम एड्रेस ये सब आपको, ये भी सब कुछ फेक लिखना है। कोशिश करें, ये कोशिश नहीं, बिल्कुल मेक श्योर कि आप ये सब फेक लिख रहे हैं, फेक लिखें, सब कुछ आपको फेक लिखना है। तो मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि क्या क्या, अगर आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर दे रहे हैं तो क्या करने से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले अननेसेसरी वर्ड्स मत लिखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ एक लोगों की गलतफहमी होती है, कुछ एक राइटर्स की गलतफहमी होती है, ब्लॉगर्स की गलतफहमी होती है कि मैं जितने ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करूंगा, जितना मैं लंबा सेंटेंस लिखूंगा, जितना मैं कॉम्प्लिकेटेड लिखूंगा, मेरे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। बिल्कुल गलत है ये, 100% गलत है ये। जितना ज्यादा आप डिफिकल्ट लिखेंगे, जितने अजीब से आप वोकैब के वर्ड्स यूज करेंगे, उससे आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आने वाले। सिंपल लिखिए,
ब्रेविटी लेकर आइए, एक अपनी फीलिंग के साथ लिखिए। अब टॉपिक के बारे में लिखिए, अपना ओपिनियन दीजिए। सबसे पहले फालतू के वर्ड्स नहीं लिखने हैं। दूसरा, बी कंप्लीट। जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, देना बैंक के एचआर वालों से आपने ज्वाइनिंग अपनी लेट करवानी है, तो अगर आप उनको अपना डिटेल नहीं बताएंगे, आपने बोला कि मेरा एमटेक का एग्जाम है, अगर आप वहां पे नहीं बताएंगे कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है और ये मेरा रोल नंबर है, ये और अपनी डेट शीट आप अटैच नहीं करेंगे, लिखना पड़ेगा कि मैं अपनी डेट शीट अटैच कर रहा हूं, साथ में प्रूफ दे रहे हैं ना, प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ दे रहे हैं। तो इस ऐसे आप अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो थोड़ा सा लेटर में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेविटी, बहुत फालतू के वर्ड्स नहीं लिख रहे हैं, वो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेटर में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव वॉइस में लिखें, पैसिव वॉइस में ना लिखें, वही एक्टिव वॉइस में थोड़ा सिंपल कंटेंट रहता है, सिंपली आप लिख सकते हैं, पैसिव में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऐसे मतलब घुमा फिरा के नहीं लिखना, सीधा सीधा लिखना है, ठीक है। टेक्निक्स एंड फैक्ट्स शुड बी एक्यूरेट। पहली बात, अगर आपको किसी फैक्ट के बारे में नहीं पता तो गलत मत लिखिए। जैसे एक बार आया था टॉपिक कि यूएन को आप लेटर लिखिए, या इस न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में आप लिख दीजिए, एक टॉपिक लिखने को आ गया। अगर आप यहां पे लिखेंगे कि भूटान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या नेपाल के पास बॉम्ब है न्यूक्लियर, तो बिल्कुल फैक्चुअली गलत है। अगर आप लिख देंगे कि पंजाब या हरियाणा इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लिख देंगे कि जो पंजाब है इसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इंडिया में, तो ये सबसे बहुत बड़ी गलती है, ये तो आप नहीं लिख सकते। फैक्चुअल मिस्टेक्स नहीं करनी है, बिल्कुल भी फैक्चुअल मिस्टेक्स ना करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मेट। फॉर्मेट के मार्क्स हैं लेटर राइटिंग में, तो 100% फॉर्मेट के मार्क्स हैं। ऐसे राइटिंग का कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है पर्सनली अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखने में, मैगजीन्स में, मैं वो फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत आसानी होती है अपने ऐसे आर्टिकल्स और एसेज लिखने में, मुझे आसानी होती है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया और आप भी उसको फॉलो करें। तो ये यहाँ पे मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। एक मैंने पिछले जो पेपर्स आए थे, पिछला जो साल का बैंक ऑफ बड़ौदा का और SBI का पेपर था, जो टॉपिक्स पूछे गए थे, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो क्या किया है, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं और वीडियोज कैसे बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप अभी सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे होगा और लाइक का बटन यहाँ पे होगा। मैं चाहता हूं कि इस पे कम से कम 100 लाइक्स मिले मुझे, ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा अगले लेवल पे जाए और मैं और वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, क्वांट पे बनाऊं, रीजनिंग पे बनाऊं, क्वांट जो मेरा एक स्ट्रांग कह लीजिए मेरा एक फोटे है क्वांट पे लिखने का, बहुत पैशनेट हूं मैं उस पे लिखने को। और अभी मैं हिंदी में वीडियोस बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कॉन्टेंट भी प्रोवाइड करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो अगली वीडियो है, अगला एक मेरा एक पूरा मैं टारगेट सेट करके चल रहा हूँ, अगला वीडियो जो है वो मैं स्टडी प्लान का बना रहा हूँ, स्टडी प्लान का बना रहा हूँ IBPS। दो वीडियोस है मेरी, एक स्टडी प्लान है IBPS PO का, उसके बाद स्ट्रैटेजी, एग्जाम स्ट्रैटेजी जो है मेंस के एग्जाम की, एग्जाम स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छे से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा एग्जाम स्ट्रैटेजी की। अगर हो सकता है आने वाले 4-5 दिनों में हम लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करें। चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।